मैं अभी हूँ असारवा रेलवे स्टेशन, आप मेरे पीछे देख सकते हो अहमदाबाद का असारवा रेलवे स्टेशन, और हम यहाँ से जाएंगे अजमेर। हमारी ट्रेन है 8 बजे की, 8 बजे यहाँ से निकलेगी और हम सुबह में 5:30 बजे अजमेर पहुँचेंगे। तकरीबन 590 किलोमीटर का सफ़र हम तय करेंगे और ये ट्रेन जाती है जयपुर तक। असारवा से जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये, और जयपुर आपको पहुँचाएगी 7:30 बजे। तो तकरीबन 725 किलोमीटर का सफ़र जयपुर का है, और बीच में 14 से 15 होल्ट लेती है, 14-15 स्टेशन ये करती है ट्रेन। तो देखिए, आप मेरे पीछे रेलवे स्टेशन देख सकते हो, ये अहमदाबाद में पड़ता है और अहमदाबाद का जो मेन रेलवे स्टेशन है कालूपुर रेलवे स्टेशन, वहाँ से ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। अगर आप ऑटो से आओगे तो 80 से 100 रुपया लेगा ऑटो वाला। तो चलिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ असारवा रेलवे स्टेशन। तो देखिए दोस्तों, ये है असारवा रेलवे स्टेशन, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये। यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, पार्किंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे, और अहमदाबाद में ही है ये, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छी है। देखिए सामने हमारी ट्रेन है जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको स्लीपर कोच मिल जाएंगे, एसी कोच मिल जाएगा, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, ये सारे कोचेस इसमें अवेलेबल है। देखिए ये है असारवा का रेलवे स्टेशन, बड़ा नहीं है, छोटा है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ पानी वगैरह लेना है, कुछ स्नैक्स वगैरह लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक स्टॉल है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा मैं कब से घूम रहा हूँ बट मुझे कोई और स्टॉल मिला नहीं है। देखिए ये स्टॉल है, ये स्टॉल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने की स्नैक्स वगैरह, पानी वगैरह। पूरे रेलवे स्टेशन पे बस यही एक स्टॉल है। देखिए इस तरफ भी आप देख सकते हो, कुछ नहीं है। चलिए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो यहाँ के जो प्लेटफॉर्म वगैरह, देखिए अभी हम स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं, ये है हमारी ट्रेन। ये जो रूट है ये काफ़ी खूबसूरत रूट है उदयपुर का। तीन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक पे जो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और उस तरफ 3 है। देखिए ये वॉक ओवर ब्रिज है, तो दोस्तों ये है असारवा, अहमदाबाद का असारवा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों मैं आपको ये रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं, तो पहले ये मीटर गेज लाइन हुआ करती थी, 2009 तक यहाँ पे मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, लेकिन 2009 से ये रेलवे स्टेशन बंद था, ये लाइन बंद थी, और 2016 में इसकी जो मीटर गेज लाइन को है तब्दील किया गया ब्रॉड गेज में, और लास्ट ईयर 2022 में, अभी 2023 चल रहा है, 2022 में यहाँ पे ब्रॉड गेज की फर्स्ट ट्रेन जो स्टार्ट हुई उदयपुर इंटरसिटी, असारवा से उदयपुर इंटरसिटी। तो और उसके बाद ये जो जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जिसमें हम आज सफ़र करने वाले हैं उसको शुरू किया गया, तो इसको फिर जयपुर तक ले जाया गया और इन फ्यूचर इसको दिल्ली तक भी ले जाया जाएगा। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये रेलवे स्टेशन का। ये अहमदाबाद में ही है और मेन रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है जैसे मैंने आपको बताया, तो ट्रांसपोर्टेशन की, कनेक्टिविटी की कोई इश्यू नहीं होगा आपको, यहाँ पर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। आपको कहीं से भी, अगर आपको आना है अहमदाबाद में, कहीं से भी आपको असारवा रेलवे स्टेशन आना है तो आप इजीली आ सकते हो, और अहमदाबाद में कहीं भी जा सकते हो यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों वक्त हो चुका है 7:30 बजने को है, और ये हमारा कोच है M1, चाहिए थर्ड एसी है, ये थर्ड एसी इकोनॉमी, ये हमारा कोच है, हम इसमें सफ़र करेंगे। और यहाँ से जो भी है वो सारे एसी को शुरू हो रहे हैं, और इस तरफ जो है वो स्लीपर क्लास है। तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ
चलिए मेरे साथ। यहाँ पे बेड सीट वगैरह, पिलो वगैरह। सब बढ़िया है। यहाँ पे नीचे है एक बर्थ। क्या अब आपको दिखेगा एक बर्थ नीचे, एक बर्थ ऊपर। देखिए और इस तरफ ये तीन। थोड़ा कंजेस्टेड है चलने में, बाकी बढ़िया है। अगर एक इंसान सामने से आ रहा है तो दूसरे को हटना पड़ेगा, तब वो निकल सकेगा। ये स्लीपर कोचिस है इसके। चलिए मैं आपको अंदर से स्लीपर कोच दिखाता हूँ। देखिए क्योंकि रेगुलर होते हैं ट्रेन्स में, उसी तरह के हैं स्लीपर कोच। देखिए पब्लिक चढ़ना शुरू हो गई है अंदर। तो दोस्तों मैं इसके फेयर के बारे में आपको बता दूं, तो इसका जो फेयर है वो मुझे पड़ा है थर्ड एसी इकोनॉमी का 900 रुपीज़ इसका फेयर पर हेड मुझे पड़ा है। और इसके स्लीपर क्लास जो है उसका जो फेयर है वो तकरीबन आपको 380 to 400 के आसपास में आपको पड़ेगा, क्योंकि ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है अजमेर का। तो और आप अगर जयपुर जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 900 रुपीज़ मुझे अजमेर का पड़ा है, तो उसके दो स्टेशन आगे जयपुर है। इस ट्रेन में अच्छी बात यह है कि आपको रिज़र्वेशन मिल जाएगा। रिज़र्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर 10-12 दिन पहले भी कराते हो तो 15 दिन पहले भी कराते हो तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया रूट है ये और अभी धीरे धीरे ये फेमस हो रहा है, धीरे धीरे पब्लिक यहाँ पे बढ़ रही है। बट एज़ ऑफ नाउ अभी की मैं बात करूँ तो मुझे तो 15 दिन पहले भी अवेलेबल थी टिकट्स, और मैंने ये जस्ट एक वीक पहले ही रिज़र्वेशन कराया इसका थर्ड एसी का, तो मिल गया मुझे। और जब मैंने कराया तब स्लीपर में भी RSC की सीट्स अवेलेबल थी, तो अगर आप RSC भी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल थी, तो आप 8 दिन पहले भी उसका रिज़र्वेशन करा सकते हो। तो टिकट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस से एज ऑफ नाउ। आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर रस बढ़ता है, तो वो बात अलग है। तो हमारी ये ट्रेन असारवा रेलवे स्टेशन से निकलती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। देखिए मैंने आगे आपको वो स्टॉल दिखाया था, और यहाँ पे देखिए काउंटर भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आपको अमूल कूल और ये स्नैक्स वगैरह और सब मिल जाएगा। तो एक काउंटर इसका भी है, और आगे जो मैंने आपको दिखाया था स्टॉल वो, तो ये देखिए यहाँ से हमारी डिपार्चर लेती हुई ट्रेन असारवा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों 9:15 हुए, 9:10 हुई है और हम पहुँच चुके हैं हिम्मतनगर। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिम्मतनगर। देखिए लोग दौड़ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है। मैं तो फर्स्ट टाइम हिम्मतनगर के रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन। मेन जो रेलवे स्टेशन है वो पीछे है, मेन जो इसका एरिया है हम थोड़ा पीछे की ओर है, और 3 से 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो ट्रेन। ये जयपुर असारवाई है जो जयपुर से ओवर द नाइट निकलती है, 8 बजे के आसपास जयपुर से निकलती है और सुबह में असारवा पहुंचाती है। देखिए हमारी ये जो ट्रेन है वो हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन से निकलती हुई। मैं आपको हिम्मतनगर का जो रेलवे स्टेशन है उसके दर्शन करवा देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ के लोगों के लिए कि ब्रॉडगेज लाइन शुरू हुई है, और लोगों को ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। और ये जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स है वो इस रूट पे शुरू होने से
लोगों को काफ़ी हेल्प मिली है। और ये हिम्मत नगर जो है ये बड़ा टाउन है, बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे इस तरह से ब्रॉडगेज लाइन शुरू हुई है और लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है वो यहाँ पे आ रही है। देखिए ये मेन एरिया है इसका स्टेशन का, देखिए स्टॉल आप देख सकते हैं, देखिए तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और खाने पीने की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, स्नैक्स वगैरह, पानी वगैरह। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं डूंगरपुर, यानी आप बोल सकते हो कि राजस्थान में हम एंटर हो चुके हैं। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म डूंगरपुर का, पब्लिक आ रही है यहाँ से भी ट्रेन में और काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है ये। एक्चुअली यहाँ पे हमारा अराइवल था 10:10 का, लेकिन अभी हो चुके हैं 10:30। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं 10:30 हो चुके हैं, तो हम 20 मिनट लेट हैं यहाँ पे। देखिए लोग आ रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो लोग आ रहे हैं, 10:30 हुए हैं अभी और पब्लिक यहाँ से बैठ रही है ट्रेन में जयपुर की ओर जाने के लिए। अब इसके बाद आएगा झवेर, फिर आई थिंक आएगा उदयपुर। ये है डूंगरपुर का रेलवे स्टेशन, देखिए काफ़ी रोशन है और ये एग्ज़िट है यहाँ का, यहाँ से एग्ज़िट हो रही है पब्लिक। काफ़ी लोग उतरे हैं यहाँ से और काफ़ी लोग चढ़े भी हैं ट्रेन में, तो काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे 2-3 स्टॉल भी हैं जहाँ पे आप खाना पीना ले सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो। अभी काम भी चल रहा है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे काम चल रहा है तो डेवलप हो रहा है। और राजस्थान में एंटर हो चुके हैं हम ऑफिशियली, देखिए अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रेलवे स्टेशन का, डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का। हम लोग डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं झावर रेलवे स्टेशन पे और 11:25 हुई है अभी, लगभग 10-1 मिनट डिले है यहाँ पे, 10 मिनट लेट आई है यहाँ पे ट्रेन। तो ये है राजस्थान का झावर रेलवे स्टेशन, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। खाने पीने का कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे, ये कुछ नाश्ता वगैरह या कुछ चाय वगैरह लेने के लिए हॉल वगैरह दिखा नहीं है। छोटा रेलवे स्टेशन है और पब्लिक भी ज़्यादा नहीं यहाँ पे चढ़ी है, ना ही कोई उतरा है इतना खास, तो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है झावर। और इसके बाद आएगा उदयपुर, तकरीबन 1 घंटा लगेगा उदयपुर आने में। देखिए झावर रेलवे स्टेशन से निकलती हुई हमारी गाड़ी, देखिए अभी अंधेरे में रात में तो आपको कुछ खास दिखाई नहीं देगा। देखिए झावर, यह है झावर रेलवे स्टेशन, छोटा है, ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी दिखी नहीं है। अब देखते हैं आगे कुछ यहाँ पे है कि नहीं है। हमारी ट्रेन निकल रही है झावर रेलवे स्टेशन से और 11:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। देखिए ये मेन एरिया आ चुका है झावर रेलवे स्टेशन का, देखिए ये एग्जिट है, ये एग्जिट है, देखिए यहाँ पे एक स्टॉल दिखा है, तो एक स्टॉल है यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। और आसपास में ये मिल वगैरह कुछ लग रहा है यहाँ पे,
प्लांट वगैरह लग रहा है। आई थिंक ये माइंस, हाँ ये माइंस के लिए बहुत फेमस है। हाँ, और ये माइंस का जो है वो सेटअप लगा हुआ है, देखिए। तो माइंस का यहाँ पे काफ़ी काम काज है जावर में, धुआं वगैरह भी निकल रहा है अभी। आपको तो नहीं दिखेगा इसमें, हाँ दिखेगा, देखिए आपको धुआं दिखेगा इसमें। काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उदयपुर। मैं अभी हूँ उदयपुर रेलवे स्टेशन पे और अभी वक्त हुआ है 12:11 और 12:10 का इसका अराइवल टाइम है, यानी ऑलमोस्ट ऑन टाइम है ये। 5 का होल्ट होगा यहाँ पे और फिर यहाँ से हमारी ट्रेन निकल पड़ेगी। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हलचल है। इसके पहले वाला जो स्टेशन था झवेर, वहाँ पे इतनी हलचल नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं, तो पब्लिक काफ़ी है यहाँ पे। देखिए और रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है और स्टॉल वगैरह भी है यहाँ पे, देख पा रहा हूँ। और काउंटर वगैरह भी है स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स लेने के लिए। तो उदयपुर सिटी में हम पहुँच चुके हैं, उदयपुर रेलवे स्टेशन। काफ़ी बढ़िया रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, देखिए। और काफ़ी फैसिलिटी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है हमारी ट्रेन अभी। बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान का उदयपुर, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया से, और बाहर से भी आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं। तो काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये राजस्थान का, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है और काफ़ी डेली बेसिस पे यहाँ से जाती भी है। तो ट्रेन फुल रहती है इस स्टेशन पे, देखिए कितनी पब्लिक उतरी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो रास्ता, ये एग्जिट है, देखिए वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए हमारी ट्रेन निकल रही है अब उदयपुर रेलवे स्टेशन से, देखिए आप ये उदयपुर रेलवे स्टेशन। खाने पीने के बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये पानी के लिए यहाँ पे है, और ये एग्जिट है यहाँ का, देखिए कितनी पब्लिक एग्जिट हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेन में से काफ़ी लोग उतरे हैं, देखिए यहाँ पे स्टॉल वगैरह अमूल का भी है, फिर यहाँ पे अंदर भी ये भोजनालय है, देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का, रेलवे का है कैटरिंग टूरिज्म, और यहाँ पे भी स्टॉल है। तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, और काफ़ी फैसिलिटी है यहाँ पे खाने पीने की। अमूल पार्लर है ये, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए। आप ये उदयपुर सिटी देख सकते हो, ये जो रेलवे स्टेशन के पास में जो होटल्स वगैरह हैं, काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान का, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। रात होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा प्रॉपर व्यू, पर जितना भी हो सकता है लाइटिंग में जितना भी व्यू देख सकते हैं आप, उतना आप देखिए। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, देखिए रात के 12:30 होने को है, और ये उदयपुर सिटी का नज़ारा, रेलवे स्टेशन के पास का जो इलाका है, ज़्यादातर होटल्स हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 हैं और हम अजमेर पहुँचने वाले हैं। कुछ ही देर में हम अजमेर पहुँच जाएंगे, कुछ ही देर में हम एंटर होंगे अजमेर रेलवे स्टेशन।
ये है अजमेर रेलवे स्टेशन। हम एंटर हो चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन में। देखिए ये है अजमेर रेलवे स्टेशन। सुबह के 5:20 हुई है और कुछ 10-15 मिनट डिले है, बट इतने भी डिले नहीं है, चलता है इतना। तो दोस्तों हम अजमेर पहुंच चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आई है और 5:20 को हमको अजमेर उतारा है, यानी 15 मिनट डिले है, बट अच्छा कवर किया और स्मूथ जर्नी रही। साफ सफाई भी अच्छी थी, एसी का कूलिंग भी अच्छा था, तो जो ट्रेन का जो रेटिंग है वो मैं तो 10 में से 8 दूंगा। काफ़ी अच्छी ट्रेन है और साफ सफाई भी अच्छी है, कम्बल वगैरह बेडशीट वगैरह सब दिया था सही तरह से, साफ सुथरा। तो बस ये ब्लॉग में इतना ही, यहीं पे ख़त्म करता हूँ ये ब्लॉग, और अजमेर के और ब्लॉग भी आएंगे आगे, तो आप देखते रहिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए।